तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक न्यू ब्लॉग के साथ। मैं आज आपको लेकर चलूंगा चौड़ागढ़ के 3.5 किलोमीटर के ट्रैक पर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वीडियो में हमने विजिट किया था हांडी को, इको पॉइंट, बड़ा महादेव और वहाँ से हम गए थे गुप्त महादेव। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो देखी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखा है, वीडियो देखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूरा करेंगे चौड़ागढ़ का 3.5 किलोमीटर का ये ट्रैक। तो चलते हैं दोस्तों फिर से एक नए सफर के लिए। ये पीछे देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए पीछे ये लोग चढ़ के जा रहे हैं, ये देखिए ये लोग। तो हम लोगों को मिले हैं नागपुर वाले भाई, नाम क्या है आपका? हेमंत रहाटे। हेमंत रहाटे, ये हमारे साथ चलेंगे चौड़ागढ़, ठीक है? हाजू आ रहा हूँ। ये थोड़ा रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ आपको बहुत देख के आना पड़ेगा। सामने जो पहाड़ दिख रहा है वही है चौड़ागढ़, हमको वहीं जाना है ऊपर चढ़ के। ये रास्ते में आपको बहुत सारी दुकानें दिख जाएंगी। हम लोग यहाँ पर 1 किलोमीटर चल के आ गए हैं, अब 2 किलोमीटर और रह गया है। जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो यहाँ त्रिशूल चढ़ाते हैं, देखिए आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूजा की सामग्री आप ले सकते हैं, प्रसाद वगैरह, ये देखिए यहाँ पर अज्जू ले रहे हैं। पानी बराबर गिर रहा है, बहुत थक गए हैं। जम्मू से आए हो दोस्त के साथ? मैं नहीं तो आप नहीं, आप नहीं तो मैं नहीं। सही बात है, हिंदू हैं हिंदू रहेंगे और जय सियाराम बोलते ही रहेंगे। जय जय सियाराम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए यहाँ हम लोग ऊपर पहुँच गए, क्या नजारे हैं यहाँ के। पूरे ट्रैक में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर नजारे देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, फिर कैसा लग रहा है अज्जू महाराज? लग तो रहा है बहुत खतरनाक, लेकिन जो थके हैं वो तो बहुत ही आसान नहीं है यहाँ तक चढ़वाना। नहीं महादेव की भक्त हो, बिल्कुल चढ़ेंगे, बिल्कुल अब इसी तो इसलिए तो चढ़ते जा रहे हैं। सही बात है, आपको चढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, बुलाया है वहाँ भी जाना। सही है, तुम्हें को बुला रहा है। किसका फोन आया था? किसका? नहीं नहीं, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो तो हम लोग अब पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ा सा रह गया है, हालत खराब हो रही है। तो बैठ गए, अब कैसा लग रहा है? ये नहीं थके? कैसा लग रहा है फिर? अच्छा लग रहा है, भोले बाबा प्रसन्न है ना, इतना बड़ा चढ़ाव चढ़ के थकावट बिल्कुल नहीं हो रही है। बाबा के नाम पे तो आसमान पे चढ़ जाएंगे, तो कुछ भी नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ मंदिर के पास। थोड़ा सा बस ऊपर चढ़ना है। ये बैठे हैं हमारे महादेव। वाह यार, वाह यार, यहाँ देखिए कितने त्रिशूल हैं। महादेव मंदिर तो इतना विशाल मंदिर है। तो मंदिर के दर्शन करके हम लोग बाहर निकल गए हैं। देखिए कोहरा कितना है यहाँ पर,
यहाँ पर मैं आगे जा रहा हूँ, देखता हूँ। देख सकते हैं आप लोग व्यू, कितना शानदार व्यू है, क्या नज़ारा है। हम लोग यहाँ से वापस आ रहे हैं, 1 किलोमीटर हम लोग नीचे आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर पहाड़ वाला पूरा रास्ता है, पहाड़ी पहाड़ है। देखिए पूरा अजय शायद आगे निकल गया है, थक गया है आज तो। उतरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधा घंटा लगेगा। चढ़ने में आपको 1.5-2 घंटे लग सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका स्टैमिना कितना है। चौरागढ़ से वापस आते वक्त हमें महाराष्ट्र की एक फेमस डिश खाने का मौका मिला, इसे बोलते हैं मक्की की रोटी और बेसन का साग। ये काफ़ी टेस्टी था, पहले ये खा नहीं रहे थे लेकिन इनने एक कोल खाया तो इनको मज़ा आया, अब ये खा रहे हैं। टेस्ट कैसा लग रहा अज्जू भाई? अब बहुत सपोर्ट किया है इनने, अपनी चप्पल दे दी हमें जाने के लिए ऊपर तक, जूते में बहुत दिक्कत होती। बस बस धन्यवाद आपका, आपकी वजह से इतनी ऊपर तक, सही में मेरे को पता छाले पड़ जाते पैर में क्योंकि वो काट रहे थे अलग ही जूते के, गर्मी में पता ही है, तो बस चप्पल ही पहन के आऊँ। हाँ, ये ज़्यादा अच्छी रहती है ना इसमें। अच्छा चलो सही है, ठीक है अंकल, थैंक यू। चौरागढ़ में हमको 6 घंटे लग गए, 3 बजे हम लोग वहाँ से वापस आए और हम लोग निकल गए चंपक लेक के लिए, जहाँ पर हम लोग करेंगे थोड़ी बोट राइडिंग और जिप लाइन। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं बोटिंग क्लब पे, यहाँ पर आपको 10 रुपये पार्किंग के देने पड़ेंगे और अंदर जाके आपको बोटिंग करने के लिए मिल जाएगा। तो हम लोग आ गए हैं मोटर बोट के लिए, देखिए ये कितना अच्छा है, यहाँ पर एडवेंचर भी कर सकते हैं। वाह यार देखिए, वहाँ से आपको छोड़ा जाएगा, देखिए एडवेंचर। तो हम लोग जा रहे हैं अब राइडिंग करने। राइडिंग करने 100-500 ले लेना और जमीन को उतार देना। कौन सी वाली? पांडव गुफा, यहीं से चले यहाँ पांडव गुफा। पांडव गुफा ये वाला रोड सीधा पकड़ो, जयस्तंभ चौक पड़ेगा वहां से बिल्कुल सीधे चले जाना पांडव गुफा। ठीक है तो हम लोग निकल रहे हैं पांडव गुफा के लिए। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो हम लोग जा रहे हैं पांडव गुफा के लिए, तो चलते हैं। हम लोग आ गए हैं पांडव केव के लिए, ये पीछे जो आपको रास्ता दिख रहा है यही जाता है पांडव केव के लिए। यहाँ से हम लोग जाएंगे ऊपर, थोड़ा सा हमको पैदल चलना पड़ेगा ऊपर पहाड़ की तरह, तो हम लोग पहुँच जाएंगे पांडव केव पे। पीछे आपको दिख रही होगी केव, वो क्लियर दिखेगी, अभी अंदर जाएंगे तब क्लियर दिखेगी। जी भाई इंजॉय करते हुए चलो चलते हैं। लोग पहुंच गए हैं पांडव केव,
ये है गुफा, यहाँ थोड़ा अंधेरा है। गज्जू भाई पहुंच गए, यहाँ से पूरा नजारा दिख रहा है, पूरा पार्क दिख रहा है। थोड़े से ओरियो बिस्किट खा लेते हैं, थक गए हैं, उसके बाद जाएंगे हम लोग। एक गेले यार उसको, अभी एक गेले। उसको भी देना पड़ता, दे दिया ना, दे दिया दोनों को, दे दिया नहीं, उसको भी देना पड़ रहा फिर। अच्छा क्या दे दिया। तो दोस्तों हम लोग इतनी देर घूम घाम के आ गए हैं अपने होटल पे, थोड़ा यहाँ रेस्ट करेंगे फिर। गए हम लोग अपने रूम पे, देखिए रूम कितना फैला हुआ है। सुबह हम लोग जल्दी जल्दी में निकले थे, रेडी हो गए, ताला लगा रहे हैं। चलो भाई सारी जगह हो क्या गए ना। अच्छा ये वाला रह गया, अभी कोई फॉल था। अच्छा बी फॉल रह गया है, बाकी अपन चलो तो निकल रहे हैं हम लोग यहाँ पर रूम से। ये हमारी रॉयल इनफील्ड खड़ी है किराए वाली, तो बैठेंगे। हम लोग पहुंच गए सनसेट पॉइंट, बट सन ही नहीं निकला है तो सनसेट कैसे होगा। फिर भी देख लेते हैं, यही पास में ही है। हम लोग अंदर आ गए पार्क में, थोड़ा सा चलना है बस, पहुंच जाएंगे। पहुंच गए, ये सनसेट पॉइंट है, लेकिन मौसम की खराबी के कारण सनसेट ही नहीं हो रहा है। सनराइज नहीं हुआ तो सेट कैसे होगा। सही बात है, ये पॉइंट बहुत अच्छा है व्यू के लिए। ये हम फाइनली पहुंच गए हैं, सनसेट नहीं, सनराइज नहीं हुआ। देखिए बादल ही बादल है, बादल ही बादल है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे हाट बाजार घूमने, और नेक्स्ट डे हम लोग चलेंगे रूट नंबर 3 पे। वो सरप्राइज है आपके लिए कि हम लोग कहाँ जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।